आज हम बात करेंगे डीसी एक्साइटेशन ऑफ आरसी सर्किट, जिसमें हम चेक करेंगे उसका ट्रांजिएंट रिस्पांस कि कैसे ग्राफिकली हम करंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, कैसा वो ग्राफ होगा, ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है उसका चेक करना, रिस्पांस कैसा आ रहा है जब हम डीसी सप्लाई देते हैं आर और सी को, जब वो सीरीज में लगा होता है, जब वो सीरीज में लगा होता है। हमने आर एल सीरीज पढ़ लिया था, आप चेक कर सकते हैं पिछली वीडियो में, ठीक, उसमें ग्राफ आपने देखा था जीरो से स्टार्ट होकर पहले इंक्रीज कर रहा था, फिर बी बाय आर से लेके डिक्रीज कर रहा था जीरो पर। बट इसमें क्या होगा, दैट डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटेंस, की कैपेसिटेंस काम कैसे करता है। हम सबको पता है कि कैपेसिटेंस काम कैसे करता है, कैपेसिटेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। पहले वो चार्ज होगा जब सप्लाई देंगे उसको, फिर वो डिस्चार्ज होगा। सबको मालूम है एक बात, यस और नो, जो हमारे घर पे इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर भी ऐसे काम करता है, जब लाइट आई होती है तो उस टाइम वो चार्ज होता है, जब लाइट चली जाती है तो वो क्या होता है, डिस्चार्ज होकर वो हमें सप्लाई देता है, यस और नो, यस सर। तो कुछ कैपेसिटेंस से मिलता है तो पहले उसका फंडा होता है, यस। तो कैसे होगा, यहाँ पे आर लगा है, यहाँ सी लगा है, ये बी है सप्लाई, स्विच लगा है एस, एस वन एस टू। तो पहला केस हम मान लेंगे S1, जो S है वो उस टाइम हमने S1 पे कर दिया at time zero, okay, at time zero हमने स्विच को किस पे रख दिया, S1 पे। तो जैसे मैंने S1 पे रखा तो स्विच को मैं किस तरफ रखूंगा, इस तरफ, यस और नो, इसके बाद तो मेरी जो सप्लाई है वो सर्किट के अंदर आ गई, सर्किट के अंदर आ गई और करंट स्टार्ट हो गया, लग गया टाइम, करंट स्टार्ट होने लग गया, यस और नो, यस। अब हमें पता है यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, बी आर, यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, बी सी, तो वही है बी आर प्लस बी सी इज इक्वल टू बी, बी आर प्लस बी सी इज इक्वल टू बी, पर बी आर कितना होता है, आई इंटू आर, आर स्क्वायर कैपिटल मान लीजिए, बी सी कितना होता है, देखिए सबको मालूम है बिकॉज लिख दीजिए यहाँ पे, क्यों इज इक्वल क्या होता है, सी, क्यों इज इक्वल क्या होता है, मालूम है सबको, इन केस ऑफ कैपेसिटेंस चार्ज इज इक्वल टू सी इनटू वी, वी इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, वी इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, तो यहाँ से वी कितना आ जाएगा, क्यों बाय सी, इज इट ओके विद एवरीवन, यस सर, इज इट ओके विद एवरीवन, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस मुझे करंट प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू चार्ज की कहीं बात नहीं हो रही, तो उसके लिए मेरे को वो भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द चार्ज एंड ए करंट, चार्ज एंड ए करंट, दैट इज अंडरस्टैंड। तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है, करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है आपका, क्या होता है, करंट। अब यहां से हमने Q की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से dQ क्या आएगा, आई dt, dQ क्या आएगा, अगर मेरे को वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, हाउ कुड आई फाइंड, जब मुझे Q पता होगा, जब मुझे क्या पता होगा, तो मेरे को क्यों निकालना है, इनकम ऑफ करंट, इनकम ऑफ करंट, ओके। तो यहां से जब मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1, क्या होती है, 1, यहां से क्या आ जाएगा, क्यों की वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास आई डी टी इंटीग्रेशन, मैंने कह लिया बिकॉज, ये सारा पार्ट क्या है, बिकॉज का है, समझने वाली बात है, अपने क्यों की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा यहां पे, क्या आएगा, दैट इज आई डी टी अपॉन 1 बाय सी, अपॉन 1 बाय सी, इज इट ओके, इज इट ओके, यस सर। तो वोल्टेज एंड क्रॉस का कैपेसिटेंस ये वाली वैल्यू पुट करोगे, क्या पुट करोगे, 1 बाय सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ, समझ आ गया सबको, समझ आ गया इधर, ओके, 1 बाय सी आई डी टी का इंटीग्रेशन,
डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इसका सोल्यूशन निकालना है तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. क्या बनानी है? और वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मुझे इंटीग्रेशन का साइन तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना. वो पी क्यू वाली इक्वेशन याद है, लास्ट टाइम की थी हमने, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, याद है? तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड करूँगा. क्या करूँगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड. मैंने यहाँ लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. विद रिस्पेक्ट टू टी आप क्या कर दोगे? डिफरेंशिएट कर दोगे. यहाँ से क्या आएगा? आर बी आएगा डिग्री, आर तो कॉन्स्टेंट है, वन बाय सी. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ डी करना है, डिफरेंशिएशन का मतलब डी विद रिस्पेक्ट टू डी टी. डी इंटू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वन. डी टी से डी टी कट जाएगा, डी टी से डी टी कट जाएगा. क्या बचेगा? आई. क्या बचेगा? अरे डी मतलब इंटीग्रेशन ऐसे है ना, ये देखिए इसको साइड पे समझ लीजिए. डी बाई डी टी ऑफ क्या? इंटीग्रेशन अंदर क्या है? आई डी टी. आई डी टी तो डी इंटू इंटीग्रेशन क्या हो गया? वन. डी टी से डी टी कट गया, क्या बचा? आई. और बाहर क्या था? वन बाय सी. आई बाय सी. आई बाय कॉन्स्टेंट है जीरो. डीसी सप्लाई है ना, कौन सी सप्लाई है? पांच वोल्ट का सप्लाई है डीसी. तो क्या आंसर आएगा उसका? जीरो. डिफरेंशिएट करेंगे, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अरे डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट जीरो. डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट जीरो. ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना. ठीक है ना, वन है, वन को क्या तोड़ोगे? कॉन्स्टेंट है. टू को क्या तोड़ोगे? समझ रहे बात को? जीरो के. अब डिवाइड कॉन्स्टेंट बाय आर. डिवाइड कॉन्स्टेंट बाय आर. क्योंकि हमें पता है इसको मैं जब कंपेयर करूंगा तो मुझे इस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए. ध्यान से लिखिए, डी आई बाई डी टी प्लस पी आई इज इक्वल टू क्यू. फिर मेरे दिमाग ने जवाब दिया कि भैया अगर तुझे इस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए तो तुझे क्या करना पड़ेगा? हेलो, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो डी आई बाई डी टी के आगे क्या होना चाहिए आपके पास? वन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कॉन्स्टेंट बाय. हाँ, ये दिमाग तभी जवाब देगा जब दिमाग में ये डाला जाएगा फॉर्मूला कि भैया ये ऐसा होता है. अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छी तरह लगाया है तो ही पता लगेगा ना, दिमाग को तभी जवाब देगा. नहीं तो लगे रहोगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह ना, उसमें भी ऐसे था. ध्यान से सुनना ये स्टोरी. उसमें क्या था? वो कहता जी मेरे को गांधी जी दिखते हैं और गांधी जी मेरे को हर सवाल का जवाब देते हैं. गांधी जी मुझे हर सवाल का जवाब देते हैं. उधर से एक डॉक्टर बड़ा स्मार्ट था, उसने पहले एक सवाल पूछा जो गांधी जी ने लिखा हुआ था किताब में. गांधी जी की किताबें पढ़ी थी ना उसने, संजय दत्त ने. तो उसको गांधी जी दिख गए और सवाल का जवाब मिल गया. संजय दत्त बोलता था कि मुझे गांधी जी दिखते हैं और वो मुझे सवाल का जवाब देते हैं. वो मुझे सवाल का जवाब देते हैं कि कैसे हर सिचुएशन को प्यार से सुलझाना है. शांति. डॉक्टर ने कहा कि इसकी थ्योरी फेल करता है. उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो गांधी जी की थ्योरी में था ही नहीं. गांधी जी की थ्योरी में किताब में कभी ना लिखा ना उसके द्वारा पढ़ा गया. और सर वैसे ही हो, उसको गांधी जी नहीं दिखे. उसने उसको गांधी जी कैसे दिखेंगे जब जो एनएलडब्ल्यू, अरे जो बीज बोगे वही फल पाओगे ना, जब डाला ही नहीं गया दिमाग में कैसे दिखेंगे गांधी जी? दिखेंगे. तो ऐसे ये पढ़ाई है, जब आप बेसिक्स को इनपुट नहीं करेंगे तो सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? यस और नो? यस और नो? तो सेम मिलती जुलती कहानी होती है. एक चीज गांधी जी नहीं लिखे क्योंकि कभी उसने पढ़ा ही नहीं गांधी जी के बारे, ना गांधी जी ने कभी लिखा. क्या दिखेंगे गांधी जी? क्या वो सवाल का जवाब दे पाएंगे? है ना. तो हमारी जो बेस है नींव नींव पक्की होनी चाहिए. हमें बेसिक्स पे काम करना है. इस पे काम करना है बेसिक्स पे. इज इट ओके? तो ये बेसिक. बिकॉज जब मैंने अब देखा कि मुझे यहाँ पी चाहिए, आई पी साहब यहाँ बन चाहिए, मेरे को पता लगे मेरे दिमाग ने जवाब दिया दिमाग ने कि भैया तुझे आज से डिवाइड करना पड़ेगा. जीरो. नेक्स्ट जब आपको पता है क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इस
सॉल्यूशन निकाला है इस क्वेश्चन का, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dt, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dt, e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है? 1 / rc dt। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? t। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1? t। rc तो कांस्टेंट है ना, तो ये आ गया e की पावर p / rc, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। यस, पर हमें पता है कि अगर सॉल्यूशन निकालना है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजेनियस है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो? इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt plus v, आई e की पावर 1 / rc t plus 0, क्या हो कितना है? 0। क्या हो कितना है? प्लस c। आई इसको क्या आ गया? c अपॉन e की पावर t / rc, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस t / rc। यस और नो? यस सर। यस, फिर हमें पता नहीं जब टाइम 0 था स्टार्टिंग में, कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद, उस टाइम पहले करंट कितना था? हाँ जी, करंट कितना था? इधर देखिए, इधर आ जाओ। जैसे हमने स्विच को ऑन किया, जैसे हमने स्विच को ऑन किया, आप सबको मालूम है टाइम जीरो पे, इधर देखिए सी कैपेसिटेंस का बिहेवियर क्या होता है? एक्सी क्या होता है? 1.2 pi एक्सी, 1.2 pi। टाइम जीरो पे कैपेसिटेंस आपका एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है। क्या काम करता है? कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो होता है। कैसे पता है? कैसे? क्योंकि वो चार्ज तो होता नहीं, कैपेसिटेंस इज नॉट अ चार्ज। जैसे हमने स्विच ऑन किया सप्लाई की, तो कैपेसिटेंस चार्ज तो नहीं है उस टाइम, कैपेसिटेंस चार्ज आपका नहीं है, नहीं है ना। तो टाइम होता है फ्रीक्वेंसी का उल्टा, तो टाइम ऊपर आ जाएगा 2 pi c। ठीक, टाइम जीरो पे एक्सी कितना आएगा? जीरो, मतलब ये सर्किट में शॉर्ट सर्किट होगा। क्या होगा? तो सप्लाई कितनी दे रहे हैं आप? वी। तो करंट कितना आएगा? आई वी / आर, वी / आर। कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस जीरो हो गया, कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस जीरो हो गया। इसे रोके हम आप टाइम जीरो पे, टाइम जैसे आपने स्विच ऑन किया, कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस क्या हो गया टाइम जीरो पे? एक्स सी कितना आया? जीरो। जीरो कितना आया? जीरो। जीरो, या यस सर? नो? यस सर। यस, तो कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस आपका क्या आ गया? जीरो। तो कौन सा रेजिस्टेंस बचा? आर। तो करंट कितना आएगा? वी / आर। तो टाइम जीरो पे जब से थोड़ी सी देर बाद में करंट कितना आएगा? वी / आर, वी / आर। इज इट ओके विद एवरीवन? Is this thing is okay with everyone? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. फिर हमने यहाँ पुट कर दिया V / R is equal to C e की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो क्या होता है? One. अरे किसी की पावर जीरो क्या होता है? One. तो यहाँ से C का वैल्यू कितना आ गया? V / R, इसमें पुट कर दीजिए। That is, you will get I is equal to V / R e की पावर माइनस T / RC। ओके ओके, समझ आ गया सबको यहां तक? समझ आ गया सबको यहां तक? ओके, सॉल्यूशन आया, केस वन में हमारे पास ये सॉल्यूशन आया, इसको प्लॉट कर लीजिए। ये टाइम है, ये करंट है। जब टाइम जीरो होगा e की पावर जीरो वन, तो करंट कितना होगा? v / r, यहाँ से स्टार्ट होगा v / r i जीरो, ये करंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये क्या होगा? टाइम बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, e की पावर माइनस है तो बढ़ती रहेगी वैल्यू। तो जब इन्फिनिटी पुट कर देंगे टाइम, तो एक टाइम क्या क्या जीरो हो जाएगा, तो ग्राफ भी हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा करंट आपका कम होता रहेगा, करंट आपका कम होता रहेगा। इज इट ओके? यस।
तो ये आपका ग्राफ है केस वन के लिए। केस टू क्या कहता है, एस को एस टू पे रखो। जैसे आपने एस को एस टू पे रखा, अब आपका कैपेसिटेंस में करंट कितना है, हाँ जी वी बाय आर वी बाय। ओके अब क्या होगा कैपेसिटेंस, पहले चार्ज हो चुका है कैपेसिटेंस, अब चार्ज पहले करंट की डायरेक्शन किस तरफ थी, इस तरफ। अब कैपेसिटेंस क्या करेगा चार्ज होने के बाद, इंफिनिटी के बाद डिस्चार्ज होगा, क्या होगा अब नाउ द कैपेसिटेंस डिस्चार्ज। जब कैपेसिटेंस डिस्चार्ज होता है तो करंट किस तरफ जाएगा, इस तरफ या इधर, समझ रहे बात को। अब करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा, करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा। सप्लाई आपने हटा दी सर्किट से, हटा दी सप्लाई, हटा दी कैपेसिटेंस का डायरेक्शन करंट कितना है, इधर सर्किट का वीवर। ये चार्ज हो चुका है चार्ज, अब क्या करेगा जब वोल्टेज हट गया सप्लाई हट गया, अब क्या करेगा वो डिस्चार्ज। जब डिस्चार्ज होता है तो क्या होगा, प्लस माइनस ना, प्लस माइनस है ना, अब वो डिस्चार्ज होगा, क्या होगा अब डिस्चार्ज, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा सर। इज इट ओके, क्लियर है ना। फिर से हमें पता लग गया वी आर प्लस वी सी इक्वल टू जीरो, जीरो क्यों, क्योंकि सप्लाई अब जीरो है, क्योंकि सप्लाई अब वी आर क्या है, फिर से आई इंटू आर क्यू बाय सी, सब कुछ सेम है, क्यों क्या होता सी वी, तो वी कितना आएगा क्यू बाय सी आई आर, क्यू का वैल्यू क्या आएगा याद है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, सब कुछ सेम चलेगा डेफिनेशन डेरिवेशन। इसमें फिर से इंटीग्रल को साइड कर देंगे, सॉरी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आएगा आर डी ए बाय डी टी प्लस वन बाय सी आई बाय सी इज इक्वल टू जीरो, डिवाइड बोथ साइड बाय आर, नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय आर, तो डी ए बाय डी टी से कंपेयर किया जनरल फॉर्म से पी कितना आ गया 1 बाय आर सी, क्यू कितना आ गया 0, ठीक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से निकाला e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर सी डी टी, तो 1 बाय आर सी तो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो गया 0 by RC, integration हो रहा है, ये integrity vector आ गया। solution भी पता हमें I into integrating factor is equal to integration of Q IF DT plus C1, C1 ले लेंगे constant, IF का value put कर दो e की power T by RC 0 plus C1, I कितना आ गया बस फर्क क्या पड़ेगा, प्लस वी बाय आर की जगह कितना करंट आएगा, फिर से लिखेंगे केस वन का मतलब एम डी जीरो आई जीरो प्लस आई जीरो माइनस विल बी माइनस वी बाय आर। ओके क्लियर, वहां पुट कर देंगे तो माइनस वी बाय आर इक्वल टू सी वन इंटू वन, सी वन कितना आ गया माइनस वी बाय आर, पुट कर दीजिए करंट कितना आ गया फिर से माइनस बी बाय आर ई की पावर माइनस बी बाय आर, इसको प्लॉट करेंगे आप, पहले करंट था प्लस बी बाय आर, अब करंट कितना है माइनस बी बाय आर, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आएगा माइनस,
इंफिनिटी आ जाएगा, टी जब e की पावर माइनस इंफिनिटी का हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा बेटा जीरो। तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ये केस वन है, ये केस टू है, क्योंकि उधर ऊपर प्लस है तो नीचे क्या होगा माइनस, ये ग्राफ बन गया केस वन केस टू। यहाँ पे इक्वेशन आपकी ये है, यहाँ पे इक्वेशन आपकी ये है, इस इक्वेशन में ग्राफ नीचे, उस इक्वेशन में ग्राफ ऊपर, ऐसा बनाओ, समझ आ गया। तो ये हमारा था ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ करंट, थैंक यू सो मच।